मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और आप आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। जिनको भी एड़ियों में दर्द है ना, 3 दिन में गायब हो जाए। अगर घुटने में दर्द है ना, 6-7 दिन में ठीक हो जाए। कोई भी जॉइंट्स पेन है, 12-13 दिन में चला जाए। कितनी भी भयंकर संधिवात हो, सिप करके पानी पीजिए। और एक सिप में उतना ही पानी लीजिए 1 चम्मच के बराबर, उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए फिर पीजिए। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो 1-1.5 महीने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप, बिना कोई दवा खाए, सिप करके पानी पीने से। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त अमेरिका से लौटा है, उसका 140 किलो वजन हो गया था, तो उसको अमेरिका की जिस कंपनी में नौकरी करता था निकाल दिया, क्योंकि वहां नौकरी से निकालने में 1 मिनट लगता है किसी को, वहां जॉब कभी भी सुरक्षित नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, निकाल दिया। और उसको एक्सप्लेनेशन दिया कि हम आदमी को नौकरी पर रखते हैं, हाथी के बच्चे को नहीं रखते। 140 किलो का। अब वो बेचारा बहुत घूमा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, वजन कम हो जाए किसी तरह से, नहीं हुआ। अब आ गया भारत। एक दिन तो वो जॉन हॉपकिंस में चला गया, तो वहां बोला कि आपकी ऊपर से कुछ खाल चीर देंगे, वजन कम हो जाएगा, मांस काट के निकाल देंगे। अब वो कहे अरे मुझे तो ये नहीं कराना, वापस आ गया। बेंगलोर में रहता, एक दिन कहने लगा राजू भाई आप कुछ बताओ। मैंने कहा कुछ मत करो, पानी गुनगुना पियो और सिप करके पियो। अभी 9 महीने से वो ऐसे ही कर रहा है, अब वजन उसका 70 किलो, बिना कोई दवा के, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी योग, बिना किसी प्राणायाम के, खाली सिप करके पानी पीने का ये चमत्कार। तो आप बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक कर सकते हैं। आपने देखा है कुत्ता कैसे पानी पीता है? कुत्ते को सुना कभी डायबिटीज होता है? कभी नहीं होता। चिड़िया होती है ना, चिड़िया कैसे पानी पीती है? एक चोंच में एक ड्रॉप उठाएगी, फिर पिएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पिएगी, फिर रुकेगी। चिड़िया को ना संधिवात होता है, ना जॉइंट्स पेन होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कैंसर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना माइग्रेन होता है, कुछ नहीं होता, वो स्वस्थ है, मस्त है। हमको ये सब क्यों होता है? जिस भगवान ने चिड़िया बनाई है उसी ने हमको भी बनाया। जो आत्मा उसमें है वही आत्मा हम में है, जो ऑर्गन्स हमारे हैं वही ऑर्गन्स उसके हैं, बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाती, मनुष्य रात के 12-12 बजे भी खाता रहता है। चिड़िया कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीती, सवेरे खाना खाएगी, दोपहर को पानी पिएगी, पानी के साथ कभी खाना नहीं खाती। सब जानवर इस नियम का पालन करते हैं, जो सबसे मूर्ख भैंस है वो भी इसका पालन करती है। सवेरे भरपेट खाना खाएगी भैंस और दोपहर को 11 बजे पानी पिएगी, लेकिन मनुष्य जो है ना वो भैंस से भी गया पीता है। वो खाने के साथ गटागट गटागट 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास पीते ही रहता। आयुर्वेद में ये सूत्र है, भोजनान्ते विषम वायु, माने भोजन